केसर इधर, मुझे लग रहा है मेरे बाथरूम में कोई घुसा हुआ है, जाके देखो कौन। क्या केसर जी? मेरे बाथरूम में केसर? हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। डीडी के आशीर्वाद से खुला हुआ, ये तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। आप क्या मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं कहानियां नहीं बना रही हूं, सीरियसली दरवाजा लॉक था अंदर से, इसीलिए कह रही हूं। एनीवे रहने दीजिए, आप लोग जाइए। थैंक यू वेरी मच, सॉरी केसर, जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट, आई विल नींद खराब कर। अच्छा गुड नाइट, टेक केयर। पहले पराठा गायब और अब ये इंसिडेंट, जरूर कुछ गड़बड़ है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें। कौन है? कौन है? मार दिया मुझे। क्या हुआ? किसने काटा? किसने काटा डीडी के आशीर्वाद से? अरे वो क्या हो गया? वो पर्दे के पीछे कोई है। अरे यार क्या कर रहे हो आप? मुझे लगता है कि आपको कोई वहम हो गया। कोई नहीं पर्दे। चुप रहो डीडी के आशीर्वाद से, चुप रहो। एक मिनट। व्हाट? आयशा? अरे आयशा, मैं टकला फोड़ने वाला था इसका। आयशा, आयशा, बच्चे आपने तो जान निकाल दी थी हमारी। कहाँ थी बेटा, कैसे आई यहाँ पे? मैं जब आपके घर में छुपी थी ना, तो मुझे रास्ता मालूम था। मैंने एक अंकल को बताया तो उन्होंने मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया। प्लीज अब मुझे कहीं मत भेजना। अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। जी अंकल आंटी। अरे वाह सेठ, मैंने आपका काम बिल्कुल वैसे किया है जैसे आप चाहते थे। मैंने बच्ची को वहीं पहुंचा दिया है जहां उसे पहुंचना चाहिए था, उसके घर। अच्छा सेठ, चलता हूं, फिर कभी याद करना अगर कोई काम मिले मेरे लायक। पर सर एक बात समझ में नहीं आई, अगर उस बच्चे को वापस वही पहुंचाना था तो उसे वहां से निकाले ही क्यों? हमें तो लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। जिस जिस को जहां जहां होना चाहिए था वो वहां है।
जिंदगी का किस्सा है ना, शतरंज की तरह बड़े से बड़ा प्यादा अगर गलत जगह पहुंच जाए तो बाजी खत्म, और छोटे से छोटा प्यादा अगर सही घर में पहुंच जाए तो बेगम भी पानी भरने लगती है। पिछली बाजियां तो डीडी बेगम ने जीत ली थी, लेकिन अब खेल मैं शुरू कर रहा हूं। छोटा प्यादा, छोटी सी आयशा सही घर में पहुंच गई है, अब सारा खेल मुझे अपने मुट्ठी में करना है, बस और कुछ नहीं। और उसके बाद डीडी और उसका पूरा परिवार भीख मांगेंगे, मेरे इसी पैरों के नीचे झुककर नाक रगड़ेंगे। मैं आयशा के बिना नहीं रह सकती मां, मुझे समझ में आ गया, आयशा मेरी प्रेयर्स का जवाब है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मॉम प्लीज मुझे ऐसे मोड़ पे लाके मत खड़ा कीजिए जहां पे मुझे अपनी मॉम और अपनी बेटी में से किसी एक को चुनना पड़े। आई कांट डू दिस, आप मेरी माँ और मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और रिश्ते बने रहे इसलिए बेटर यही होगा कि मैं अपने घर वापस चली जाऊं। मॉम जो प्यार आपके मन में मेरे लिए है वही प्यार मेरे मन में आयशा के लिए है। आई लव यू मॉम, शायद आप समझेंगे मॉम मैं जो कर रही हूं। घर चलते हैं सिद्धार्थ। चल शाबाश जिंदी रहे। अरे ये भी कोई जाने का वक्त है, क्या कर रहे हो सिमरन? नहीं बस हम अब चलते हैं। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा बहन जी, बहुत रह लिया आप बस। नहीं 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 जी जी आपको भी कितनी तकलीफ देंगे। ठीक है हम लोग ने अब तय कर ही लिया, जा रहे हैं तो निकलते हैं। आप नहीं आएंगे ना मॉम? उसे थोड़ा सा वक्त दे दे। बाय नानी। सी बुआ जी अपना ध्यान रखना। हाँ जी। आयशा का भी और मेरे राशनी का। बाय अनम। ठीक है चूही। जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ C5 पर। अभी C5 ऐप डाउनलोड करें।